अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान नज़र, आप देख रहे हैं टॉप वीडियो चैनल। फ्रेंड्स, नए हुए सॉफ्टवेयर के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में जिस सॉफ्टवेयर का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम है फोटो टू कार्टून। फ्रेंड्स, ये इमेज को कार्टून शेप में चेंज करता है। बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपनी पर्सनल तस्वीरों को की इमेज को थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर को ज़रूर इस्तेमाल करें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये सॉफ्टवेयर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप ये इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। चलें इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, मैं इसको जैसे ऑन कर तो फ्रेंड्स ये इसका इंटरफेस है। यहाँ से इसके बारे में आपको बताया था, इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है कि आप इसमें अपनी तस्वीर को एक कार्टून शेप में जो है वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तस्वीर को आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ फाइल के अंदर जाके आपने जैसे यहाँ से लोड फोटो करना है, लोड फोटो करके यहाँ लोकेशन में आपकी तस्वीर पड़ी हुई है वहाँ से आगे कर लें। यहाँ पे एक इमेज पड़ी हुई है, मैं सेलिब्रिटी ही है इंडियन, तो मैं इसको जस्ट मैंने इस पर रख दिया। ये फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसको थोड़ी इसकी ऑपेसिटी कम करते हैं ताकि ये कुछ बेहतर उसमें नज़र आए। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको टेक्चर एक दे सकते हैं इस तरह। यहाँ पे इसको अगर हम कलर में रखना चाहते हैं कलर में रख लें, ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं ब्लैक एंड वाइट कर लें, या सेटिंग के अंदर इसके अंदर हम कंट्रास्ट वगैरह थोड़ा ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इतना छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप अपनी इमेज को कदरे काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज़ वगैरह जो कुछ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर जब आउट में ये इतना ही दिखाएगा। इसी तरह इसके जब आपने बनाने के बाद अब आप इस इमेज को सेव करना चाहते हैं तो उसी फाइल के अंदर आएंगे, उसके जस्ट नीचे आके सेव इमेज करेंगे। तो ये डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, एक नाम दे देता हूँ, तो मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये फोल्डर यहाँ पर आ गया, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये कार्टून शेप का एक टेक्चर इस फोटोज में आ गया। तो यहाँ पे इसकी ओरिजिनल की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ओरिजिनल थी। तो मैं अब आपको एक और फाइल लेना करके दिखाता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप अपनी इमेजेस वगैरह डालें, कुछ ऐसे आपके घर वगैरह की तस्वीरें हैं, किसी बिल्डिंग की तस्वीर है तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से तस्वीर लोड करता हूँ। लोड इसमें जाके डेस्कटॉप पे तस्वीर जो थी यहीं पे है वो क्लिक किया मैंने, इसको लोड किया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तस्वीर यहाँ पे आ गई। तो हम इसकी यहाँ से ऑपेसिटी अपने हिसाब से सेटिंग कर लेंगे। मैंने ऑपेसिटी कम कर दी इसकी थोड़ी सी। तो आप जब ये देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कोई कार्टून शेप जैसी बिल्डिंग है, किसी कार्टून से हमने कोई इमेज ली है। मैं इसको इमेज को सेव करके आपको दिखाता हूँ। डेस्कटॉप पे रखते हैं इसको, ये इमेज यहाँ सेव हो गई। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक ओरिजिनल बिल्डिंग की तस्वीर है जो कि हमें अभी कार्टून शेप में लग रही है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये वो तस्वीर है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। अपना स्टेटस वगैरह अगर आप इस चीज़ का लगाना चाहते हैं और डिफरेंट लुक देना चाहते हैं, मैं इसकी ओरिजिनल तस्वीर आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पड़ी है। ये ओरिजिनल बिल्डिंग है जिसको हमने कार्टून शेप में दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था वो छोटा सा सॉफ्टवेयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको अपनी इमेजेस को मोबाइल सेलफोन से फेसबुक का स्टेटस वगैरह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सॉफ्टवेयर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।